सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और फिलहाल मैं निकल चुका हूँ फ्लैट से, क्योंकि मेरे पे तो गाड़ी थी ना, तो मैंने भाई यार कहते कि हम लेने आ रहे हैं। मका जी ठीक है, हमने गाड़ी तो ठाणी है और गाड़ी की कहानी है डीएम महिंद्रा। मैंने विक्रम भाई से फोन करके पूछ जी, मका भाई कह रहा चल मैं अभी आता हूँ, तो तीन बज जाऊंगा मैं शायद, है ना, शोरूम पहुंचने में 3 बज जाऊंगे। आज गाड़ी देखो आज कितने का खर्चा बिठा, मतलब इंश्योरेंस तो ले रखा तुम्हारे भाई ने, वो तो ऑब्वियसली होते ही नहीं गाड़ी पे, तो फाइल चार्ज ही लगने चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी शोरूम जाके पूरा सिस्टम दिखाऊंगा तुम्हें, क्या है क्या नहीं है। गाड़ी ठा लूँ पहले, क्योंकि यार मैंने ना बहुत वो लगेगा, 3-4 दिन बिना गाड़ी के बैठना क्योंकि कटेंगे हमारा एक्स्ट्रा वो लग जाओगा, पर थोड़े दम गाड़ी ना ठा सकते। हाँ यार मतलब वही वाली बात, चलो कोई दिक्कत ना हो तो एक चक्कर फालतू तेरे में तेल गिरवा दूँ। रोए मंडा कर, मेरी तो गाड़ी है ना, चौटाला गाड़ी है, 500 रुपये का तेल गिरवाना पड़ेगा ही। मैं शुभम रोन लाग रहा है, चलो कोई बात ना, शाम का प्लान अलग आएगा। अरे भाई का बर्थडे आएगा आज, तो उसमें भी आपको दिखाता हूँ क्या सिस्टम बैठा पाते हैं। 12 बजे तो हम मिल नहीं पाए भाई से, भाई घर पे ही थे। ये ले रहे हैं i10, कौन सा मॉडल है वो? यो है नावेरा, यो 90s का मॉडल है, 90s का जो पुराने वाले i10 है, क्योंकि गियर बहुत कैड़ा है यहाँ पे, छोटा है, एक नंबर का मजा आवे गियर लगाने में। और यो इसी है, मेरे इसके दिखा दे, काट गए असली गियर तो दिखा दे, पर काट गए। अरे यो कहां गया इसका, इसमें तो गियर गल रहा था। ये ले ये गियर है। और वो कित है के सिस्टम के क्या कर रहे हैं, क्यों गया? अरे फंस गया अंगली में। एवरेज कितने की देते हैं भाई? आ देते 7 की। चलो बढ़िया भाई, ये खड़ी गाड़ी इसका सामान ली काट देते हैं पहले, फिर लेके चलते हैं इसको, क्योंकि खड़ी कर गाड़ी मना आ गया बेचारी मेरी, मेरे जिगर का टुकड़ा। इसमें क्या क्या पड़ा है, घर पे आ गया था, घर पे इतने सारे बाड़ा गाये पड़े आज। चल अंदर जा, किसने ठोक रखी है गाड़ी? किन्ने ऐसा कहा बेटा? उसने। अच्छा चिराग ने, ओके लोमित भैया ने कहा था। यार ये क्यों कर लेके जाऊंगा इन्हें, अब मैं हटाना पड़ेगा मेरे हिसाब में। आते हैं कॉफी। ये देखो भाई सिस्टम हैंग कर रखा। चलो तो भाई अपनी राम प्यारी को, अपनी धन्नो को, अपने झूठे को, कुछ भी कह लो, लेके चलते हैं इसके मायके ठीक करवाने। मैंने एक चीज़ दिखाऊंगा, ये गंदा हो पड़ा है, यहाँ पे पानी घुसा पड़ा है, तो ये चीज़ भी क्लियर करने के लिए कहूँगा उनको। लेट्स गो कर, चलो जी। जय श्री राम, जय हनुमान, शीतला माता की जय। भाई एक चीज मैंने अभी नोटिस करी, जैसे बैक कर रहे हैं ना, सेंसर भी काम नहीं चल रहे, इसके सेंसर काम नहीं कर रहे हैं। वो देखो सामने से मम्मा आ रही है और दादू आ रहे हैं छोटे वाले, इनको आने ही दो। तो भाई निकल लिया हूँ घर से, एक चीज मेरे को दिक्कत आ रही है, शायद इसका एम्बिएंट लाइट का बक्सा खराब हो गया, क्योंकि वो वाली ग्रीन वाली लाइट जल रही है, बाकी सब बंद है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है। और वहाँ से हटाई वहाँ पर पैपर हटा अपना, देखो गंदी कितनी हुई पड़ी अभी, ये सब साफ हो जाएगी। और मैंने वो वहाँ से थोड़ा सा सेट कर दिया बोनट आगे से, ताकि वो लगे ना टायर में, बाकी टायर में और कहीं से पिंचर इंचर तो ना आया। मैंने अभी चेक करा है TPMS वगैरह में, ये देखो प्रॉपर है सीन। अब फटाफट चलते हैं DM महिंद्रा उलावास वाले में, और अब फटाफट चलते हैं DM महिंद्रा, मैं ही नहीं बताऊंगा कौन से वाले में जा रहा हूँ, फिर बताऊंगा आपको सिस्टम आगे का क्या सिस्टम। अरे हटा लेना, एक तो हेलमेट भी ना पहन रहा, ऊपर से बीच में ला रहा है, फिर इनका लग जाएगी, इन्हें कहेंगे गाड़ी वाले की गलती है। मार दी गए, खत्म कर दी गए, कर दी खत्म भाई, ठोक दी पिछली गाड़ी, ठोक ये मार भाई, मैंने कहा मार भाई नहीं कहा, ठोक दी लगा है इन, तो कहते भाई रुक जाओ तुम, अरे भाई डांट लो इन्हें। चलो जी अंदर चलते हैं, इसको मायके ले आए हैं, भीड़ होने लगी इस वाले से भी सेंटर पे भी। भाई पेपर रेडी हो रहे हैंगे इंश्योरेंस के, चलो ओके धार यार, मिलता हूँ तेरे से जल्दी, आई लव यू, है ना, ख्याल रखियो। भाई गाड़ी छोड़ा हूँ DM महिंद्रा,
पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा, सारे पेपर वेपर तुमने देख लिया, असाइनमेंट करके आ गया हूँ। अब देखो जो जो चीज़ आ जाएगी क्लेम में, वरना जितना भी पैसा होगा पूरा बताऊंगा कितना। बाकी वो कह रहे कि एक हफ्ता तो मिनिमम लगेगा, बाकी देखो थोड़े भाईचारे में वो कम कर दें। लेफ्ट लेना है, लेफ्ट ले लेना यहाँ से, ठीक है। नंबर दो, एक मीटिंग थी क्योंकि कल मेरा एक पॉडकास्ट शूट हैगा परम भाई के गैल, तो कल पॉडकास्ट ले जाना। फिलहाल मैं जा रहा हूँ एक बार वजीराबाद तक, कुछ सामान लेना है मैंने आंटी से, उसके बाद जाऊँगा फ्लैट। हमारी एक मीटिंग है, एक और फिर रवि भाई हैं उनका जन्मदिन है, तो एक वो थोड़ी सी पार्टी थ्रो कर रहे हैं, वहाँ जाना है। पर उससे पहले मैं घर जाना पड़ेगा, कपड़े भी तो पहने, सुबह तो नहाना रहे, नहाऊंगा फिर कपड़े पहन के निकलूंगा। फ्लैट वाली आएंगे, अरे ये देख लो छोर अन्ना है फोन में गेम खेल रहा है भाई। कौन सा? वो तो प्रमोशन हो जाएगा, वो नहीं बताएंगे हम भाई। वो है नया डब्बा भाई, वाह कितने का लाया था मेरे भाई? है 1.5 लाख। अरे GST हटा के बताओ, हैं GST को हटा में भाई 1.5 लाख रुपया खर्चा कर दिया आज। मैं अपनी थार में छोड़ आया हूँ, लेऊंगा मैं अभी 14 कटवाऊंगा, प्रो कटवाऊंगा वो तो पता ना, पर 14 कटवाएंगे क्योंकि इस फोन में ऐसे भी दिक्कत आ रही है यार। ले रख दे इसने डब्बे ने, खरीद दूंगा अच्छी तुझे अभी, जेब में पैसा ले रहा हूँ ले। अरे चले और ले लिया, खोज ले इसने तो बिजार भाई। आईफोन 14 के बेंचमार्क चेक कर रहे हैं, 14 प्रो मैक्स के टू बी रियली एग्जैक्ट। अभी ग्राफिक गेमिंग वेमिंग की ग्राफिक N22 के रहा है। अच्छा जी, टेक के बंदे, हम टेक के बंदे ना, हम कौन से बंदे हैं फिर? सिविल वाले, अल्लाह के बंदे हैं बेटे, हमने सब समझ आया है, गाना मत पाके कर, टेक वेक के बंदे। डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोर मल्टी कोर हैं, डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोर मल्टी कोर, डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोर ही, उसमें एक सिंगल कोर होता है, मल्टी में एक से ज्यादा हो सकते हैं, ग्राफिक्स के लिए भी और प्रोसेसर के लिए भी। व्हाट इज हाइपर थ्रेडिंग? हाइपर थ्रेडिंग, threading या threading? threading threading hyper threading is the process in which threading is done using electricity. threading is done using hyper mesh. तो भाई रेडी हो गए, घर आ गया था, ये देखो लोअर और टू पहन लिया हुडी, ताकि बाहर वो है कि क्या करें सर्दी सी तो सर्दी ना लगेगी। ये देख लो सिस्टम सिस्टम, मेरे पास गाड़ी ना तो पापा की गाड़ी लेकर जा रहा हूँ यार, निकल चुके हैं। और ये देख लो 1 लाख, ये वाली हमारी गाड़ी भाई चल गई 1,67,000। और अर्चित कर इसका धुआं दे दे, इंटरकूलर साफ कराना पड़ेगा। वो क्या होता है भाई? होता वो इंजन का पार्ट होता है। अच्छा, हमें तो मेरा ना होगा कूलर रहा है कि ठंडा होगा उसका एसी, मतलब ये अलग है वो डीजल के साथ। चलो जी देखियो आगे एक और लुगाई, ए लुगाई आजा आजा लुगाई आजा, बैग लेके कवर हो रहे हो? अरे बैग गैल ले लाया कर मेरे, जहां भी जाऊं भाई। घर जाने का टाइम हो गया था भाई, और ले रहे बम की पेटी, मतलब वो स्काई शॉट्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो अभी यहाँ पे छोटा छुटू के निकलेंगे घर। भाई फोड़ दो बम, फोड़ दो सैड बैड, सैड बैड फोड़ दो।